बेसिकली सड़क है जी पठानकोट धीरा तो घरोटे नूं जांदी ते इह कोई 350 मीटर का वखवा जिहड़ा कोर्ट च केस लगाया होया सीगा असी 2008 का 2018 दे विच होया कि इह जिहड़ी सड़क है इह साडी जमीन दे विच बणी होई है। मेरी कोर्ट अगे अपने पंजाब सरकार अगे एक अपील है कि चलो ठीक है असी तो सरकार के मुताबिक कहन दे अही अपना जिहड़ा जो कब्जा किया नजायज या कुछ भी अही तो छड़ता है। रोड मैपिंग के आधार से जितों रोड बनता है जिथे सड़क निकली हुई है वो एक्चुअल च पिछों ही कटते हैं ता कि अगे तक जी पूर्ण सड़क बनी दी है और सानू यह दिलासा दिलाया जाए कि जी सड़क है साड़ी जितों हुण जगह मिली है साड़ी सड़क उतों ही निकली हुई है। सकते हो कि यह मैटल रोड है जिन्हों की असी जो मान लो पुटने भी हाँ तो इतने मैं नहीं लगता कि 5-7 साल तक कोई फसल भी जी सा होगी। प्रशासन अगे यही मंग है कि सानू इस जगह का मुआवजा जोड़ा वो वो तो दिता जाए ता कि कंपनसेट जी हो सके। पठानकोट तो घरोटा नूं जांदी सड़क उत्ते पिंड ताजपुर विखे 300 मीटर करीब जगह का एडवोकेट गुरिकबाल सिंह वालों पिछले दिन कब्जा लिया गया सी जिस तों बाद मंडी बोर्ड वालों सड़क नूं तय की गई जगह से बनाने लई उत्थे बनियां इमारतां नूं हटाउण दे उद्देश दित्ते गए सन। इन्हां सरकारी आदेशों की पालना करते हुए कई दुकानदारों वालों अपनियां दुकानां आप ढा लईआं गईआं हन पर उत्थे दुकानदारों वालों रोस जाहिर करदिआं मुआवजे की मंग भी की जा रही है। दुकानदारों ने कहा कि पिछले लंबे समय तो उस जगह के उत्ते दुकानदारी कर अपने घर का गुजारा कर रहे हैं पर हुण बिना किसी चेतावनी तो उन्होंने दुकाना हटाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि दुकाना तो दुकानदारों वालों आप ही ढा लिया गई हैं पर इन्हों दोबारा बनाने असमर्थ हैं। उन्होंने प्रशासन को अपील की कि दोबारा दुकाना बनाने उन्होंने मुआवजा दिया जाए ता जो वो अपना रुजगार पहले की तरह चला सकन। राजेश कुमार की मामला भाई सर मामला सर इदा है कि यह सड़क इतों सिंस 1947 तो पहले इतने चलती भी हैगी है जो तो अपना दुकाना खरीदिया है दुकाना मतलब कि ऑलरेडी पहला बनी हुई सी दुकान ठीक है ना। उस तो बाद अपने गुरिकबाल सिंह जी उन्होंने केस लाया मंडी बोर्ड के उपर जिहड़ा केस उन्होंने फेवर के हो गया ठीक है ना। तो सानू कोई इंटीमेशन नहीं मंडी बोर्ड वालों दिता गया या कुछ भी है या कहने का मतलब यह है कि अं अपनी पहल के आधार से अपनी दुकाना ही जिन्ना सरकार ने सू हुक्म दिता अं दुकाना तोड़ लिया कोर्ट के ऑर्डर हिसाब न अज के टाइम तो सर अं दुकाना खड़े करने असमर्थ है ठीक है ना। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे है साड़ा रोजी रोजगार जो 500-700 बढ़ता है इतों बढ़ते है अज अं दुकाना अपन तोड़ बैठे है पिछे अं दुकान खड़ी कर नहीं सकते साढ़े को इन्ना पैसा नहीं है अं तो सरकार अगे ये मंग करते हैं कि सू जो कारोबार करने या कुछ भी है सू मुआवजा दिता जाए ता कि अपन दुकाना ही दोबारा खड़िया कर सकी। और सर मेरी कोर्ट अगे अपने पंजाब सरकार अगे एक अपील है कि चलो ठीक है असी तो सरकार के मुताबिक कहन दे अही अपना जिहड़ा जो कब्जा किया नजायज या कुछ भी अही तो छड़ता है बट एक सरकार एक रोड मैपिंग के आधार से जितों रोड बनता है जिथे सड़क निकली हुई है वो एक्चुअल च पिछों ही कटते हैं ता कि अगे तक जी पूर्ण सड़क बनी दी है और सानू यह दिलासा दिलाया जाए कि जी सड़क है साड़ी जितों हुण जगह मिली है साड़ी सड़क उतों ही निकलूगी। सानू पूर्ण तौर पर मंडी बोर्ड तो अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट वालों ना पूरा जो भी है सानू पूरा भरोसा दिलाया जाए कि सड़क उतों ही बनेगी और सड़क जी है प्रशासन को तोड़ ही शुरू तो लैके एंड तक सारी ही सीधी करनी चाहिए है। ये नहीं कि जिस जगह का पंगा पिया है भी उतों जगह जी सड़क सीधी कर की जाए सड़क तोड़ ही सारी सीधी होता कि सारे को पता लगे भी एक्चुअली सड़क है कितने हैगी है कितों निकली हैगी है तो सारी सड़क सीधी ही बननी चाहिए हैगी है बस इन्नी सरकार अगे मंग हैगी। ठीक है की ना जी कुलदीप कुमार कलसी की मामला जी मामला देख लो जी थोड़े सामने सब कुछ की मैटर की होया सारा मैटर देख लो जी उन्होंने दसा उ जिनी तरीक उदो चल रही है सड़क की किन्ना क नुकसान हो गया सारा नुकसान देख लो थोड़े सामने 6-7 दुकाना ने मंडी बोर्ड कोई मंग साड़ी मंग इहो ही कुछ ना कुछ दिता जाए तो जो फिर भी तुहाडी मंगा नहीं मंदे की स्टैप रहे फिर कुछ ना कुछ फिर तो कुछ ना कुछ हल होएगा होना चाहिए। उत्थे एडवोकेट गुरिकबाल सिंह ने भी पिछले लंबे समय तो सड़क अधीन रही अपनी जमीन के हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह जमीन इन्नी ज़्यादा बंजर हो चुकी है कि आने वाले सालों तक भी इतने कुछ भी बीजना नामुमकिन है इसलिए प्रशासन उन्होंने इस जमीन का बनता मुआवजा अदा करे। मेरा नाम है जी गुरिकबाल सिंह मेरे ये ना बेसिकली सड़क है जी पठानकोट धीरा तो घरोटे नूं जांदी तो यह कोई 350 मीटर का वखवा जिहड़ा कोर्ट च केस लगाया होया सीगा असी 2008 का जिहदा फैसला 2018 दे विच होया कि यह जिहड़ी सड़क है यह साडी जमीन दे विच बणी हुई है
ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 2008 ਤੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। 1.5 ਤੋਂ 2 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਟੋਟਲੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਮੈਟਲ ਹੈ, ਮੈਟਲ ਰੋਡ ਹੈ ਇਹ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੁੱਟਣੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 5-7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫਸਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨਸੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਆਹ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਲੈਕੀ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਸੜਕ ਆਪਣੀ ਐਗਜੈਕਟ ਨੰਬਰਾਂ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜੇ ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, 7C ਨਿਊਜ਼।